vedi conosce salva me ia aia un drag la cosmia o che il cuore sta la cosmia o che bella ti prendi la fine del sogno o il botto cadre da sì o se me l'acqua vale parte di sono grazie a lei e a casa le mie chie proprio a ieri oggi è și spui, am venit că ne-a luat ca la părinte, că nu știu, ea... Screen s-a făcut, kindly screen s-a făcut. Unul de reacția mi-o vede. A reacția mi-o vede, unul de... Ea... Lea de unul de acolo de reacție. Că... Părea oțin, ne s-a făcut pe aia de tunere. Părea oțin. Două asemenea pe aia. अब जब वो असेंबलियां तैयारी हो चुकी है तो उसका मतलब यह है कि वहां अब कोई हुकूमत नहीं, वहां निगरानों की हुकूमत, निगरानों की हुकूमत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 90 दिन के बाद यानी 91 डे वो बिल्कुल कोई उसकी जवाब नहीं देता, वो बेरुखी हो जाते हैं। 90 दिन तक है या सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई टाइम हफ्ता 10 दिन 15 दिन 2-3 हफ्ते बढ़ा दिया ने, क्योंकि ये तो कोताही और ये जुल्म किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और गवर्नर ने, गवर्नर पंजाब तो नहीं गवर्नर था से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कि वो मना समझते रहे कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट पहला आइंदा कुछ नहीं करता, मैं इस पर सुनूंगा कि किसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है और इस पर मजीद कुछ कर रहे कि सुप्रीम कोर्ट को जरूरत नहीं है, उस पर अमल हुआ होगा। लेकिन ये जो इनका एक ख्वाहिश है, असल बात यह है कि इन पर यह ख्वाहिश है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हो, इलेक्शन आगे जाए। अगर ये इलेक्शन लेके जा सकते हैं 10 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, तो फिर क्या अमर माने तो उस दिन क्या कि आदमी सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है और सिक्योरिटी सिचुएशन किससे फैसला करने का ठीक नहीं है, उन्होंने खुद ही करना जो नहीं चाहते सिक्योरिटी सिचुएशन इस तरह ठीक हो जाए कि इलेक्शन दिलाना पड़ जाए। सो ये एक सिक्योरिटी। एक दूसरा कहते हैं कि रेंजर नहीं मिल सकते, रेंजर तो सराउंडा रेंजर है, वो ऑफिसर नहीं मिल सकते। फिर कहते हैं जी इशाका कहते हैं कि हमारा वो उसमें हमारे पास पैसे नहीं। अब इशाका एक साथ है जिनके ज्यादातर अहसास है बकौल शख्स है 5 साल से पाए, वो कहते हैं हमारे बेटे भी बड़ी अच्छी बिजनेस करते हैं, लैम्बोर्गिनी खा रहे हैं, लड़की गाड़ियां रखी हुई है और पुराने भी मुंबई का तौर पर बनाए हुए हैं, मैं उसकी तस्दीक भी कर सकता हूँ। लैम्बोर्गिनी एक कार जो अमीर तरी दुनिया में ला सकते हैं, दुनिया के अमीर तरी तो वो उसी किस्म की गाड़ी को वो गाड़ियां तो थी फैली हुई है, उनकी तस्वीर आई उनकी अपने अपार्टमेंट्स के सामने। अब वो कह रहे हैं कि जी यानी वो ज्यादातर डॉलराइज है, वो डॉलराइज है। अब डॉलर अगर इशारा कि ज्यादा असाते डॉलर में है तो इसका मतलब क्या हुआ, डॉलर ऊपर जाता है तो इशारा भी ऊपर जाता है, डॉलर नीचे जाता है तो इशारा भी नीचे जाता है। लेकिन अगर डॉलर ऊपर जाता है विशाखा ऊपर जाता है पाकिस्तान नीचे जाता है, और अगर डॉलर ऊपर जाता है नीचे आता है और विशाखा भी नीचे आता है तो डॉलर पाकिस्तान ऊपर जाता है। ये तो सी सौ में ये तो दो अलग पहलुओं में बैठे हैं, विशाखा फाइनेंशियलिस्ट और पाकिस्तान के अभाव और पाकिस्तान, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो एक वजीर का नहीं हो सकता अपनी रियासत से, और वो इस पे
किसी मामले का कि डॉलर रेट क्या हो उससे सबसे है उसका एक किरदार और आदमी किरदार। तो इसमें अब आप देखें ये गुप्त इनके पास किस तरह घूमर छोड़ जाते हैं। एक साहब है वो मशहूर है, वो मशहूर है, वो सदा चाहता है मशरूम को भूले भी है अदालत को धोखा देंगे कि 8 घंटे की छुट्टी लेके बैठ जाए और चाहता से बैठे हुए हैं। अब कौन से मुझे मुंजिल की नहीं मुझे सही है फैसला गलत है फैसला वो फैसला कराए कौन से मुझे हूं और किस अदालत में किस दुनिया में ये दिया जरूरत है कि वो अपने मुल्क से और अदालत ही इस इख्तियार एक समाज का जो एक दायरा है उससे बाहर चले जाए कभी नहीं हुआ। मुस्लिम को बेल देंगे और आप पासपोर्ट रखे या पासपोर्ट देंगे और बाहर जाने की इजाजत दे सकते हैं। मुझे कुछ आप जेल में से निकालने की बड़ी उसकी गनीमत है उसके लिए और उसको आप और वो बाहर बैठा हुआ वो हमारे सामने जा देगा उनकी अपार्टमेंट से आ जा रहा है जो मुस्लिमों को सुना रहे हैं और ये सब पता नहीं कौन भी बेवकूफ समझते हैं सब के सब मतलब आप नजर आ रहे हैं टीवी में नजर आ रहे हैं टीवी में देखना आजकल इसी तरह जो है डायरेक्ट देख लिया टीवी पास से खरीदता जा रहे थे तो सारी कौन देखते हैं वो उस अपार्टमेंट से उसको आते आते जाते हुए पर जहां तक ये ताल्लुक है मामला इसका क्या ताल्लुक है मियां नवाज शरीफ से मियां नवाज शरीफ से ये ताल्लुक है कि मियां नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत है। एक दफा पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सजादत शाह के खिलाफ एक्शन उसके उसकी अदालत पे धावा बोल दिया और वो चीफ जस्टिस उसके साथ जो दो चार बैठे थे दोनों एक तरफ वो कुर्सियां वो अपने निकलने के लिए क्योंकि वो सारे बर्गर ऊपर जा रहे हैं अदालत के से वो कुर्सियां गिरा है बाहर क्या सीन होगा आप देखे 1997 में उस वक्त ये इतने वो नहीं होते थे ये मीडिया 24/7 तो तस्वीर ना बन सकी पर क्या ये सेल फोन के ऐसे नहीं होते थे कोई बना लेता तस्वीर पर क्या सीन हुआ हो कि चीफ जस्टिस और 5 जजों पे एक पूरे मजमे ने हमला कर दिया और उस पर आप पसंद करते फिर आपकी टेप ऑडियो टेप नहीं कि आपने जजेस को यह कहा कि बीबी शहीद और आसिफ जरदारी साहब को सरदार हजारा को मियां साहब ये कहते हैं और मियां साहब की डिक्टेशन पे आपने उनको सुनाएगी जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सैटिस्फाइड कर दी इसी बात पे कि उसे और वो ऑडियो टेप जो जस्टिस कयूम से गुफ्तगू जस्टिस राशिद अजीज से गुफ्तगू चीफ जस्टिस और राय को गुफ्तगू जिनको राया दे रहे थे वो आज तक 18 साल हो गए उसको वो किसी ने उनकी तरतीब नहीं की ना मियां शहबाज ने की है ना सैफ रहमान ने की है किसी ने तरतीब नहीं की। आप देखें यहां अब वो रीप्ले कर रहे हैं चीफ जस्टिस को निकाल रहे चीफ जस्टिस का कसूर क्या है चीफ जस्टिस का कसूर यह है कि यहां 2 सोचें एक सोच यह है जो जस्टिस मुनीर के वक्त से चीफ जस्टिस मुनीर से 1950 के अक्षर से चली आ रही और दूसरी सोच है जो आईन के पासदारी की सोच है और वो जस्टिस के आर कॉर्नीलियस जो कि उस वक्त अदलिया में थे उनके से चली आ रही। अब जस्टिस मुनीर का क्या क्या की विरासत क्या है कि वो नजरिया है जरूरत नजरिया जरूरत वो नजरिया है जिसके बाईस 4 मरतबा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा और हुकूमत सारी फौज है सारी हुकूमत संभाली वो नजरिया जरूरत क्या है वो नजरिया जरूरत ये बिल्कुल है आपके लिए आसान और ये सिर्फ मुकरा के लिए नहीं कि बाहर भी बैठे मुकरा तो समझते हैं नजरिया जरूरत ये बड़ा सारा नजरिया नजरिया जरूरत कहते हैं कि ये ठीक है
क्या ही तरह चला रहा है कि फॉर्म इतनी जगह है और बाहर चला रहा है, ये इसको इख्तियार नहीं। लेकिन यहां जरूरत होगी, अब ये तो बड़ी क्या है, ये तो जरूरत होगी। तो नजरिया जरूरत आईन से गुरेज, आईन से फरार, आईन से तसादम का नजरिया। और आज जो ये कह रहे थे नवे दिन वैसे तो नवे दिन होना चाहिए, नवे दिन होना चाहिए, पर हम सुपर में निकाल रहे तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। ये एक तरफ है और उमर साहब मजाक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो बैठ के खड़ा हुआ है, उसके साथ ही खड़े हुए यदि हमने ये आईन का तकाजा पूरा करा कि नवे दिन के अंदर इलेक्शन। आप ये देखिए नवे दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते, ये भी सोच रहे फर्ज भी यदि होते आप उस पीरियड में जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इजाजत दी हो नब्बे दिन के आगे, नब्बे दिन की बजाय सुप्रीम कोर्ट 110 दिन रख देता है। इन्होंने इतना वक्त दायरा किया कि शायद 120 दिन देने पड़े, पर अब जब तक सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देगा अब नब्बे दिन का मामला ये है कि आई क्या है नॉट लेटर देन 90 डेज बिफोर दी कोर्ट, यानी नॉट लेटर डिसोल्यूशन से लेके वो जो इलेक्शन पोल है वो नॉट लेटर से 90 डेज। ये क्या बात है दरअसल जब इलेक्शन पोस्टपोन किए लापरवाही तौर पर इनडेफिनेटली तो तब करारा शुरू हुआ बंगालियों का और पाकिस्तानी वेस्ट पाकिस्तानी और ईस्ट पाकिस्तानी और अल्टीमेटली बांग्लादेश बन गया। दूसरा उसने क्या किया इलेक्शन हो गए दो बार बार इलेक्शन कराए नवे दिन कह गए, जब इलेक्शन हो गए तो उसने इंतजार पार्लियामेंट को बुलाए पार्लियामेंट का इजलास भी बुलाया। अब इन दोनों को ये 1971-72 की बात है या ऐसा अब 73 में जब पाकिस्तान का आइन बन रहा था तो इसके बड़ा लोगों का एहसास था कि ये अगर पोस्टपोन करते हैं इलेक्शन या इलेक्शन से आगे पोस्टपोन किया उसको फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हो तो इसे मुल्क टूट गया, क्योंकि जब जाया खान ने 7 मार्च 1971 को पार्लियामेंट का सेशन बुलाया हुआ एडजर्न कर दिया इंडेफिनेटली तो उसके ये असल में पाकिस्तान टूटा। और बंगाली वाले शेख मुजीब ने उन्होंने कहा कि ये तो हमारा गुजारा शेख मुजीब को गिरफ्तार करके इधर जाए वेस्ट पाकिस्तान और उधर बगावत होगी ईस्ट पाकिस्तान लाइसेंस निकल गई निरक्षा गई मुफ्ती बाई ने बड़ा बात करने शुरू कर दिए अल्टीमेट लिखा हुआ कि सकूते ढाका हुआ। आप इसको इससे बचने के लिए आई एक कह रहा है कि नवे दिन नहीं कहते नॉट लेटर देन 90 डेज नॉट लेटर ये 90 दिन कह रहे हो कि मन की बात करके उसको पता दिया यानी 91 दिन जो 91 डे है वो 91 डे ये लेटर सिफर हो जाएंगे इनकी कोई जवाब नहीं आएगा कि ये बैठे और ये बैठे हैं तो इलीगल होगा वो कोई चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर को जाता नहीं होता है खैबर पख्तूनख्वा था और अगर ये जमीन है तो क्या पता है लोग इतने तंग आए हुए इनसे जो इन्होंने आगे भी किया है लोग मर रहे हैं जो कीमतें मारेंगे जो खुदकुशियां हो रही हैं ये आए हैं एक थोड़े आते थे और जमीनें दे रहे हैं और इनको इनको कोई क्या कहता नहीं। पर अब ये साहबान ये कहते हैं अब तो 91 दिन भी बैठेंगे 12 दिन भी बैठेंगे 93 दिन भी बैठेंगे आई ने इतना सख्त ये रखा है पैमाना कि जब पार्लियामेंट हो जाती है इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद असेंबली ने कितनी देर पार्लियामेंट ने बेला है वो ये आई कहता है पार्लियामेंट ने कि नजर में होगा फर्स्ट को रेगुलर रूटीन पे नवे दिन के अंदर इलेक्शन हो गया पूरे दिन हो गया फिर कहा आई कहता है ताकि वो यह खान वाला ना तो हो सके कि पार्लियामेंट में
शेयर करना, वो आइन कहता है पार्लियामेंट शैल मीट ऑन द 21st डे, पार्लियामेंट शैल मीट ऑन द 21st डे एक्सेप्ट वेन इट सूनर समर्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो 21 बजे खत्म हो गया, अगर प्रेसिडेंट आए तो आए, बुला लेकिन 21 बजे पार्लियामेंट मिलेगी, जाएंगे पार्लियामेंट में बैठेंगे, स्पीकर को इलेक्ट करेंगे, डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करेंगे, नया करेंगे अदर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को मुंतखब करेंगे। अब ये इतना टाइट शेड्यूल दिया है आईन, और आप कहते हैं यदि अगर ये 5-6 महीने आगे भी चला जाए तो इसमें कोई हल नहीं है। आप लेके जाने जाना चाहते हैं उन दिनों में जिस दिन सितंबर में चीफ जस्टिस पंजाब भी रिटायर हो गया और जनरल जो है सदर अली का भी खत्म हो गया, सदर अली का रिटायरमेंट जरूर भी खत्म होगा, ये उनके ये उस वक्त तक जाएगा जब तक इलेक्टेड प्रेसिडेंट उनको रिप्लेस नहीं करता, और इलेक्टेड प्रेसिडेंट का भी रिप्लेस करेगा जब वो इलेक्टेड कंप्लीट होगा, जब पंजाब और सरहद के खैबर के इलेक्शन हो चुके होंगे, जब उनके इलेक्शन हो चुके होंगे फिर ये आप सदर का इलेक्शन होगा। एंड आर्टिकल 44 से प्रेसिडेंट शैल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर टेक्स ओवर। तो ये इनको इलेक्शन अलवी के सदर अलवी के तहत ही कराने पड़ेंगे। इसके बाद जो एक सवाल ये किया है कि ये 3-2 का जो फैसला है ये हकीम है कि नहीं, इसके बारे में जरा फिर आ जाता हूं ताकि ये एक मामला सारे कहते हैं कि ऐसा इन्होंने कराया कि 9 मेंबर बेंच 9 से 7 से 5 से 3 ये कैसे हुआ, 7 9 मेंबर बेंच से 2 मीटर गए जाबुल आसिफ और नकवी साहब, फिर 2 मीटर गए अजहर नल्ला और यहा आफरीदी, किसी ने उनको रघु करा के नहीं निकाला, अपनी मर्जी से निकले, अपनी मर्जी से निकले, और उस 9 मेंबर जज ने जजेज ने ये खुद सिफारिश की चीफ जस्टिस के आगे कि आप एक नया बैच कॉन्स्टिट्यूट करें। अब वो बैच कॉन्स्टिट्यूट किया वो 5 मेंबर बैच, अब 9 से 7 से 5 5 मेंबर बैच में कौन कौन थे, 5 मेंबर बैच में 2 इख्तलाफ करने वाले थे मनुखेर साहब और मंसूर अली शाह, और 3 थे जिन्होंने मेजॉरिटी जनरेट की और जो चीफ जस्टिस ने लिखी। अब ये मेजॉरिटी जजमेंट जो है ये हतमी हो चुकी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 1 मार्च 2023 का जिससे इंप्लीमेंट हो रहा है। अब कोई इससे कोई नहीं आ सकता कि आए फुल कोर्ट आए तो क्या करेगा, फुल कोर्ट कोई है नहीं, कोई मामला ही नहीं रहेगा, स्थिर मामला यह है सर कि इंप्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किस तरह होना है और किसने करना है। अब ये मामला है सिर्फ, अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहली बार था मैं आज तक हो उस पर ये एम्फसाइज करना बड़ा जरूरी है, मैं वो पहले अध्यक्षों को मैं मुस्तकर के अर्थ करूंगा कि आप उसे को याद होगा मैंने अर्थ किया कि उसका पहला जुम्मन है ये 5 मेंबर बेंच का फैसला है जो कि 3-2 से होता है, पहला जुम्मन है बाई ए मेजोरिटी ऑफ 3 vs 2 हम ये फैसला दें। अब ये इस पर 5 ने दस्तक किए, 5 ने दस्तक किए, जब ये 5 हो गए तो अब 7 किस तरह कर सकते हैं, 7 किस तरह हो सकते हैं, या गवर्नमेंट वाले की तरह प्रॉक्सीज तो नहीं रहती, अब कोई कराची से जा रहा हो जज सुप्रीम कोर्ट और अपने साथी जज को कह रहे हैं कि तो आपके
सामने ये खुला ध्यान रखना केस आ जाए उसका याद रहा ध्यान रखने को रजिस्ट्रेस का हो जाए और अगर मजदूरों ने कभी तो मेरा वोट कितने साथ डाल दे सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट ये तजीज न करे कि उससे तो करे ये बोलता जिन लोग बैठे हैं जिन्होंने बहस सुनी है उनके भी वोट काउंट किए जा सकते हैं इस फैसले में तो 4-3 का फैसला बिल्कुल गलत ये क्या नहीं गलत 4 नहीं है ये 3-2 का फैसला और जब सुप्रीम कोर्ट के एक भी जायलोग फैसला करे 2 जायलोग फैसला करे 3 जायलोग वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हर एक लाजिम है कि उसकी ताकेदारी करे और उसको माने और वो जो 3-2 का फैसला इसलिए हद्दी फैसला हो गया इसके बाद और कुछ करना नहीं चाहिए जो जरा का नजर तौर पर छोड़ गए बैच को अब वो नहीं आ सकते लाहौर से चले गाड़ी में ट्रेन में शाहजहा जंक्शन पे वो उतर गया जल्दी उतर गया अब गाड़ी वहां से वजीराबाद जंक्शन पे होके मुजफ्फराबाद से होके वजीराबाद जंक्शन पे होके होके जेल से होके अब वो राहत पिंडी पहुंच रही है अब आप किस तरह उस पर शामिल हो सकते हैं आपको खुद नहीं इस पर इजहार करना चाहिए क्योंकि अगर आप इजहार करते हैं कि मैं मुझे बैठा देती बोल मैं कई बंदों से पूछ रहता हूं जो जो कई बंदों से पूछ रहता हूं जो वहां मौजूद थे कि भाई तुम्हें कोई कितना शायद नजर आए वो 3 दिन जो बैठ हो रहे थे कुछ साथ क्या थे उन्होंने कहा साथ ही 5 से मैंने ये साथ कहा थे उनकी हुए बैठ गई तो दाएं बाएं कि वो काउंट होंगे तो ये 7 जजेस का मामला बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है ये 5 जज थे जिन्होंने फैसला किया 2 जज जो बाद में कहते हैं जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये 7 जज थे और 4-3 का फैसला उनके हाथ में था वो 2 जज थे भारत मंसूर अली शाह साहब और मनो सेठ का उनके अपने दस्तर है ये 5 जज का फैसला अब मैं इसमें कथकों के कोई फुल कोर्ट की या कोई ब्लैंक चेंज करने की जरूरत इसके अलावा इम्कान ही नहीं है मुमकिन नहीं मुमकिन नहीं क्योंकि ऑर्डर हो चुका है और इसमें जैसे मैंने अर्ज किया कि जो असल फिलोसॉफिकल लड़ाई है जो कश्मकश लड़ाई को लड़ा करे पर जो कश्मकश है वो ये है कि एक तरफ वो दहशतवाद है जो कि मीरास है चीफ जस्टिस मुनीर जी और वो ये कहते हैं कि 90 दिन में तो उम्र आई लेकिन यहां जरूरत इस बात की है कि मरीशत को हम संभाल लें और अक्टूबर में ये ले जाए अक्टूबर में जाके फिर कहेगा अब इससे जो लाभ आएगा उन्हें कि ये इतने दिन कौन हुक्मरान होगा आइन अपने पहले जुमले में पाकिस्तान का आइन इब्तदाई में पहले जुमले में ये कहता है कि वेयर एज सॉवरेंटी रेस्ट इन अल्लाह इट इज टू बी एक्सरसाइज बाय द पीपल थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव अब ये निगरान तो चोजन नहीं है ये तो मुंतखब नहीं हुए ये तो नामजद है ये तो नॉमिनेट हुए इनके पास तो हुक्मरानी का हाथ ही कोई नहीं बाय द चोजन रेप्रेजेंट एक एक जिसका क्रिक बटन के लिए पावर पे एक ऐड से दूसरे ऐड का जाने के लिए कई मदद है और 90 दिन के लिए 5 साल के बाद 90 दिन के लिए याद है और इनको चले जा रहे और अगर ये बैठ जाएंगे अगर ये इकाम में नहीं की बस दिन बैठेंगे तो ये काफिज होंगे और सारे बारह इनका कब्जा होगा ऑन 2 सीनियर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द फेडरेशन और फेडर
federation, Federacy, to an important position in the federation. यानी ये इनके आर्टिकल 6 लगे आर्टिकल 6 सिर्फ सॉरी करना है नहीं लगता जो आके सारी रियासत को पता कर देता पर उस पर भी लगता है जो एक तरीकी दस्तर वाली नहीं कौन तरीकी दस्तर को आके उस पर बैठ जाता है और अपने आप को समझता है कि मेरी तो नोट चली जाती इससे एक और चीज देखिए ये जो आर्गुमेंट है कि सारे जो इंतजाम है सब तकलीफ को एक दिन होने चाहिए और अगर ये कैसा मुमकिन है ये कोई किसी ने सोचा कि ये जो चुनाव हो रहे हो वफाक में जो अकाली तरमीम में लगा लगा नहीं वो पता नहीं क्यों खामोश है आवाज देता हूं उसको मैं वो लगा लगा नहीं ने ये इतना अच्छा काम किया कि सुबह को खुद मुख्तार किया अब आप सुबह को कैद में ला रहे एक सुबह है खैर पखतून का वो अपने चीफ मिनिस्टर से तक आ गए वो चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ करता उसके बाद कोई और वोट नहीं ले सकता पूरे नहीं होते और ये असेंबली डिजॉल्व होती है या गवर्नर किसी चीफ मिनिस्टर को कहता है कि तुम्हारे पास नहीं है मेजोरिटी तुम दिखाओ असेंबली उसके बाद डिजॉल्व होती है अब जब असेंबली डिजॉल्व होगी ये आपको सूबाई चीफ मिनिस्टर का है ये कैसा उसको फॉर्म करके कहे बस स्पीकर क्योंकि हमारी असेंबली तो डिजॉल्व होगी बाकी चार असेंबलियां जो उनमें से कोई डिजॉल्व नहीं हुई एक ही दिन होंगे अच्छा वो तीन साल बाद होंगे तो सोचा हम निगरानों को चला रहे उन निगरान तो बहरूपीय होंगे उसे निगरान तो इकानवे दिन के बाद बहरूपीय होंगे और मैं ये समझता हूँ मुझे बड़ा अच्छा ये नौजवान लगता है मोहसिन रफी मैं इतना भी आपके खानदान को जानता हूँ बड़ा ही सुलझावा और दीर और पढ़े लिखे खानदान से पर ये शायद फिर भी मसले तक है पर वो जो आदम खान है चीफ मिनिस्टर का सरल था वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है उसने जो इज्जत बनाए रखवाई है वो नहीं बैठेगा 91st डे को कहता कि मैं जा रहा हूं वो कहता मैं जा रहा हूं तो ये कहना कि एक ही दिन इंतजार हो ये आप प्रेशर कर रहे हैं और इसको यूनिटरी फॉर्म में गवर्नमेंट बना रहे जो कि वफाक नहीं होगा और वफाकी इदारों को पर ये बड़ा भारी होगा बात एक मैं बात आखिर में कर दूं वो मैं काजी खैर ईसा साहब को एड्रेस करना चाहता हूं काजी साहब ने दबंग दलेर चीफ जस्टिस रहा है बलूचिस्तान और एक दबंग दलेर सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है जज है और बहुत इज्जत है उसकी मेरी निगाह मैं उनमें से था जिसने सजेस्ट किया याद कर रहा इफ्तार होने तो जब 31 जुलाई 2008 को फैसला दिया 2009 को फैसला दिया जिससे सारे पीसीओ देने को फाइल किया गया तो ये बलूचिस्तान की सजा सारे का था हाईकोर्ट ये फाइल हो अब उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करता चौधरी साहब एक दिन बड़ा मशा करते थे उस जमाने बहुत मशा करते थे मैंने ही मौका कि काजी ये ईसा जो फैल नहीं सकता इसको मैं जानता हूं कि मेरा भी थोड़ा मिला होकर बड़ा सुलझावा आदमी है और वकील है और उसका एक नाम है उसका एक खानदान है उसकी एक उसका एक शजा है फौरन करके पाकिस्तान जिसके उसको आप चीफ चीफ जस्टिस है आपने डायरेक्ट चीफ साहब बोला ये बताते थे कि डायरेक्ट कैसे हूं मैंने कहा तो है नहीं अब्दुल रहमान चीफ जस्टिस हुए थे सिंध हाईकोर्ट के द बेस्ट ऑफ दी सिंध हाईकोर्ट जज और मंजूर कादर साहब ये मंजूर कादर साहब लाहौर के चीफ जस्टिस डायरेक्ट हुए थे सीधा
तो इसको मैंने ही डिजर्व और ये बड़े अभियान है ध्यान दिएगा फैसला किया और बहुत अच्छा फैसला बढ़ेगा ये पहले बार धरने में जो फैसला किया इन्होंने पेरोल ये हंटिंग में जो फैसला किया वो सिविल सोसाइटी टीम को एक्सेप्ट कर दिया और बड़ा हमारे लिए हौसला अफवाह के फैसले थे कि ये एक इंडिपेंडेंट राज्य फैसले थे। मैं आप कहना चाहता हूं गांधी साहब ये उम्र अता बंदयाल के बाद नहीं काटे जा रहे ये आपके बाद नहीं काटे जा रहे ये जानते बड़े खुश वो नहीं है कि जब पर काटेंगे उम्र अता बंदयाल के तो गांधी साहब भी आएगा और उसके पर काटने गांधी साहब के ज्यादा जरूरी होंगे। उम्र तो फिर किसी हद तक रेस्ट्रेन आती है आपको फुल जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करने के और जुरिस्डिक्शन को एक्सपैंड करने वाले जज है जो भी जज में खूबी समझी जाती है जज में खूबी समझी जाती है तो आप ये देखें कि आपको ये जो जंजीरें आप बांधी जा रही चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के पैरों में ये आप इनको आपको भविष्य में मिलेंगे और आप जैसा जज अगर इतना कंस्ट्रेंट और लिमिटेड हो गया तो वो उसका बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को और कौम को। आप इस लेना इस ट्रैक लेना है और आपके दोस्त भी इस ट्रैक लेना है उनमें से ऐसे लोग हैं जो मैं सोचता हूं कभी नजरिया जरूरत के साथ नहीं खड़े हो सकते लेकिन दानिश्ता और गैर दानिश्ता तौर पर वो इस वक्त नजरिया जरूरत से खिला और चीफ जस्टिस मुनीर की विरासत में खड़े हैं वारिसों में खड़े और जबकि उम्र का बंदा और आप उसके साथ होना चाहिए उम्र का बंदा इस वक्त इस बहस में वो खड़ा है आईन के साथ और वो वारिस है जस्टिस ए आर कॉलोनी के साथ। अब एक आखिरी बात मैं आपसे कर दूं और उसके बाद मैं आपसे धारा लगवाना चाहता हूं। मैं ये कह चुका हूं मुझे यकीन है मुझे उम्मीद है कि इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके साथियों भूखना पैदा देंगे पाकिस्तान के लिए हम नजरिया जरूरत को दोबारा आ जाए और मुल्क राज नजरिया जरूरत के तहत अयूब खान का बादशाह जाहिर करार दिया गया नजरिया जरूरत के तहत या खान का बादशाह ज्यादा का बादशाह मुशर्रफ का बादशाह की फौज की हुक्मरानी को नजरिया जरूरत के तहत कहीं है तो सर पर आप जरूरत है इस नजरिया जरूरत के हम खिलाफ हैं हम खिलाफ करें और बुगरा पाकिस्तान के कोने कोने के हर बार के ये इस बस्ती में रंग बढ़ता है इस रंग बढ़ता है हर बस्ती बस्ती नगर नगर हर बस्ते घर के सीने में हर चलती ना आपके पास है बस हमने इस मामले को अगर जरूरत पड़ी तो हर चलती ना और हर घर के सीने में लेके जाना है क्योंकि भूखा जिंदा है